उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में उस समय एक अजीब और गरीब वाकया सामने आया जब वसूली करने गई तहसील प्रशासन की टीम को देखकर 72 लाख रुपए का बकायदा खुद को बचाने के लिए अपने 3 मंजिल मकान की छत से कूद गया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे देखने के बाद परिजन उत्तेजित हो गए और वसूली टीम से उलझ गए। इस पर वसूली अमीन की ओर से घायल बकायादार, उसके भाई व उसकी पत्नी सहित कई के खिलाफ थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जनपद रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र निवासी गफ्फार हुसैन पर जमीन खरीदने को लेकर स्टैम्प चोरी के मामले में 72 लाख का राशि बकाया था। उससे वसूली को लेकर काफी दिन से तहसील प्रशासन की वसूली टीम प्रयासरत थी, लेकिन हर बार वह टीम को चकमा देने में कामयाब होता चला आ रहा था। लेकिन शुक्रवार की सुबह सूचना पाकर नायब तहसीलदार संजय कुमार की अगुवाई में टीम उसको गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस फोर्स के साथ आवास पर पहुंच गई। आवास का दरवाजा अंदर से बंद था, लिहाजा आवाज देकर दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया गया, जिस पर बकायेदार उसके परिजनों को एहसास हुआ कि घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स और तहसीलदार के अधिकारी मौजूद है। इस पर पूरा परिवार अपने 3 मंजिल मकान की छत पर चला गया और देखते ही देखते बकायेदार गफ्फार ने मकान के पीछे से किसी चीज के सहारे से उतरने का प्रयास किया, जिस पर वह टीन शेड पर गिर गया और घायल हो गया, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और घायल को देखकर चीख पुकार शुरू हो गई। आरोप है कि परिजनों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, साथ ही गाली गलौज भी की है। इस मामले पर वसूली अमीन की ओर से थाना सिविल लाइन्स में संबंधित धाराओं के तहत घायल गफ्फार, उसके भाई गुफरान व पत्नी सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। दूसरी ओर घायल के भाई गुफरान का आरोप है कि गफ्फार को बिना किसी विद्युत कानूनी कार्रवाई के बुरी तरह से मारपीट कर घायल किया गया है। उसने हमले का सीधा आरोप नए तहसीलदार सहित पुलिस कर्मियों पर लगाया है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसको बाहर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। क्या घटना हुई? 8:30 बजे आज सुबह 8:30 बजे तहसीलदार, नायब तहसीलदार मदन पाल अमीन और 2-4 अमीन और तकरीबन 50-60 पुलिस फोर्स के साथ में, जिसमें लव सिरोही एसओ सिविल लाइन्स भी थे, इन लोगों को मैं पहचानता हूँ, उनके नाम बता रहा हूँ, इन लोगों ने मेरे घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। मैंने इनसे पूछा, गेट खोल के, भाई जब आप मेरे घर पर क्यों खड़े हैं? हमारे खिलाफ कोई मुकदमा है, कोई हमारी तलाश है? तो बोला, मैं गफ्फार हुसैन की तलाश है। उन्होंने गफ्फार भाई के खिलाफ कोई मुकदमा पहले, तो गफ्फार भाई यहाँ रहते नहीं, वो लकड़ी आगे लेते हैं। मैंने कोई मुकदमा, उन्होंने मुकदमा तो नहीं है, जब उनके खिलाफ मुकदमा नहीं तो फिर आप मेरे घर में जबरदस्ती कैसे घुसेंगे, जब उनके खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं है कहीं पर? बोले, हमें उनकी तलाश है। मैंने, क्यों तलाश है? बोले, उन्होंने हमें पैसा देने की बात करी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। मैंने, किस चीज़ का? बोले, भाई सब प्रधानों से हम लेते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? और आपके हमने कम स्टामी भी निकाल दी थी गुस्से में, इसी चक्कर में हमने भी कम स्टामी निकाल दी, हम उसमें कोर्ट में चले गए। जिलाधिकारी साहब की, हमारा राम डीएम के, हमारा वो न्याय विचाराधीन है मैटर। लेकिन ये जबरदस्ती घुसे, और घुसने के बाद में उन्होंने हमारे घर में गफ्फार भाई के साथ में राइफलों के बटों से, लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर ये ऊपर ही थे, तीसरी मंजिल जब वो दीवार पे इन्होंने जो था उसका गला पकड़ के तीसरी मंजिल पे नीचे फेंक दिया। बोले, भाग, उसे जंगल में भगा रहे थे। पुलिस सब साथ में थी, पुलिस टीम पूरी थी, जंगल में भगा रहे थे। अरे अब वो लेकर आए वीडियो सबके साथ में, लेके भी घर से बाहर से आए। अच्छा, और जब बाहर से आए, वजह कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ न्याय वसूली है, वसूली करने के उसमें थे ये, सिर्फ वसूली। ये बरेली गेट का है, गफ्फार हुसैन उधर है, लहू लोहान है उधर पूरे, उसमें इनकाउंटर करने की कोशिश करी गई है इन्होंने, दूसरे वार्ड में है, इन्होंने रेफर कर रहे हैं यहाँ से, मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। कितने लोगों को चोट लगी है? चोट है मेरे है। अच्छा, गफ्फार हुसैन तो लाश स्टेज पे है। अच्छा, तो लाश स्टेज है उनका, तो मेरे पापा लाश स्टेज पे है, पापा की हालत यह धक्का मारा।